Super bike on a super bike, yeah. Right into the distance on a super bike. Super bike, super bike on a super bike, yeah. Right into the distance on a super bike. Yo, I dream big and I work hard and I craft flows and I spit bars. From a young boy, I had big dreams on them back roads and them shit cars. Now I grind daily, I get pee. Fake guys don't respect me. Same goals, there's no fake bros in my circle. They're all real G's. That's real dogs and they feel me because they've been there when it's got peak. And they buy drawers if I've got weed. Yeah. And they back case if I've got beef. Like, whoa, shit just got real, man. Alright, so it's 11 a.m. in the morning. Is samay jo hai apna Viva. एंड जो अपना इस वीक का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन था वो भाई खत्म हो चुका है. आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट एंड एवरी वीडियो वॉज शेड्यूल्ड बट आई वॉज नॉट एबल टू पब्लिश दैट जस्ट फॉर द रीजन कि किसी ना किसी वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी क्योंकि हमारा जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि जो मोटो स्टोर है भाई वो रन कौन करता है. भाई रन हम करते हैं. वी आर वन मैन आर्मी फॉर नाउ. जब तक हमारे पास दिन के 10-15 ऑर्डर्स आ रहे हैं तब तक वी आर गुड टू गो. पर जब इससे ज़्यादा बढ़ेंगे देन वील हायर अ टीम. अ वेबसाइट विल बी क्रिएटेड. अ न्यू यूट्यूब चैनल विल बी क्रिएटेड बिकॉज द पब्लिशमेंट ऑफ गुड्स. तो समझ रहे हो ना. लेट मी जस्ट काउंट द टुडेज ऑर्डर्स. ये आज सुबह सुबह के हैं. दीज आर ऑल पैक्ड ऑन द सेम डे एंड सेंट ऑन द सेम डे. तो आपको याद है कुछ टाइम पहले मैं आपको कह रहा था कि जॉब या बिजनेस अब मेरे हाथ में है कि अब मुझे एक टाइम आ चुका है कि भाई अब जॉब सेलेक्ट करने का टाइम है. ये चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था. सो बिजनेस इज अ वे टू गो थिंग. पर या यू हैव टू बी केयरफुल. आई होप टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू आर न्यू ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई पोस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट ओवर देयर. यहाँ पर भी डिफरेंट है. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो जरूर चेक कर देना. वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे एंड जितनी भी एक्सेसरीज मैं यूज कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर दे आर बॉट फ्रॉम मोटो स्टोर इंडिया. सो डोंट फॉरगेट टू शॉप इट फ्रॉम देयर. वेव्स के बाद दो लॉकडाउन के बाद हैवी लॉकडाउन मतलब ज्यादा तगड़ा हो चुका था आपको बताइए. तो उसके बाद भी हमने इसके ऊपर काम करना रोका नहीं एक साल. ये वैसे 6 महीने का प्रोजेक्ट था मेरा जहाँ तक मैंने सोचा था पर ये एक साल तक एक्सटेंड हो गया आपको पता है फॉर सम रीजंस. इसके अंदर 2-3 काम बचे हैं एंड उसके अंदर से आज इतना बड़ा काम ये है कि मैंने इसके अंदर से ये निकाल दिया है. ये घूमता उंगली में ओह बस. भाई ये हमारा गियर लीवर आता है जो हमारी बाइक के अंदर स्टॉक आता है बिकॉज आई डिडंट लाइक इट मच. इसके अंदर हम पैर से ऊपर से नीचे करते हैं. पल्सर्स होती है हिमालयन होती है एंड जो काफ़ी सारी एक्सक्लूसिव बाइक्स होती है उसके अंदर आपने देखा होगा दैट दे कम विद अ सिंगल साइड गियर लीवर. बट इफ यू एनी वे टॉक अबाउट द सिंगल साइड गियर लीवर उसके फायदे अलग हैं एंड इसके फायदे भी अलग है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की इंजन पर कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का. देर इज अ शाफ्ट विच मूव्स विद दिस गियर लीवर. समझो ये एक शाफ्ट है जो इंजन के अंदर से आ रही है ये इस गियर लीवर पर लग जाती है. ये उठाता है तो इसको ऐसे करता है ये डाउन जाता है तो ऐसे कर देता है. अगर ये ओनली फ्रंट साइड है और उसको फ्रंट साइड से ही उठा रहे हैं तो ये भी शाफ्ट को ऐसे ही मूव करेगा ये भी शाफ्ट को ऐसे ही मूव करेगा. आगे होता है जब से नया हेलमेट लेने की इच्छा थी तब से मुझे अपना मोटो ब्लॉग ठीक भी करना था इसके ऊपर क्योंकि इसका जो फ्रेमिंग है वो काफ़ी आड़ी टेढ़ी हो रही थी एंड जो ऑडियो की साउंड है भाई वो बहुत गलत लेवल ख़राब आ रही थी. इसको ठीक करना था. अब मैं इसको यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं है जब से मैंने नया हेलमेट देखा है शोरूम पर. आई एम कलेक्टेड ऑन डेप्थ फॉर दैट. आई डोंट नो कि दैट इज दैट वर्थ टू टेक और नॉट. पर अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी स्पेसिफिकेशंस दैट हेलमेट इज ऑसम एंड या उसको पहनते ही पता चलता है दैट भाई योर मुंडी इज इन सेफ हेलमेट. अच्छा लगता है यार. मैं बस एक चीज़ सोचकर बहुत खुश होता हूँ कि जब आप मेरे पास ऑर्डर प्लेस करते हो एंड द टाइम आई पैक योर ऑर्डर आई पैक इट लाइक एनीथिंग एब्सोल्युटली सेफ. तो उसके बाद जब ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच होता है ना आपके पास रिसीव होता है तो अपनी बाइक के जब सामान आता है तो भाई क्या फीलिंग होती होगी ना यार. मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाउ डू यू फील कि जब आप अपनी बाइक के पार्ट्स मंगाते हो एंड सुकून क्या मिलता होगा यार. मज़ा आता होगा. चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट. नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं. ओके सो फाइनली द डे हैज़ कम वेयर वी आर व्लॉगिंग एंड अगेन वी आर बैक टू ट्रैक जस्ट फॉर द रीज़न कि जो ये गियर लीवर है यू लुकिंग एट दिस गियर लीवर. इसके बारे में आपको आगाह किया जाए पर आपको एक चीज़ सुना दूँ मैं. इसके अंदर आपको समझ आए ना आए अभी पर या दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. 3, 2, 1 कुछ फ़र्क समझ आया मतलब कुछ बीट में थंप में आवाज़ में. क्या समझ आया कमेंट करके बता दूँ. ऑल आर राइट. ये अपना जो एग्जॉस्ट है वो लग चुका है एंड या क्या बात है भाई साहब क्या बात है. क्या उठाया है बाइक ने. मज़ा आ गया यार. पता है यही आवाज़ कल के ब्लॉग के अंदर कट फुट गई थी बिल्कुल ही ज़्यादा. मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा बट या आई एम 100% सेटिस्फाइड दैट व्हाट आई हैव इंस्टॉल्ड.
अमेजिंग मैन, अमेजिंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट दिस एग्जॉस्ट इज 100% लीगल एग्जॉस्ट एंड ये कोई आरी का जेन्युइन एग्जॉस्ट नहीं है, समझते? ये मतलब तुम्हारे भाई ने बस कर दिया तुम्हारे इंतजाम, तो थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा खुश हो जाओ कि हाँ भैया खुशखबरी आने वाली है थोड़े दिनों में, एक हफ्ते की बात है, मे बी एट 15 अगस्त या फिर 15 अगस्त से पहले मैं किसी भी टाइम इस एग्जॉस्ट को लॉन्च कर दूंगा। ओ भाई मुझे लग रहा था भाई पुलिस वाले एग्जॉस्ट के लिए पकड़े, उसने नोटिस करी आवाज़ पर, उसने ये भी नोटिस किया कि आवाज़ बहुत कम है, मतलब ये पास हो गया। ओ भाई पास हो गया। ओ माय गॉड आई थॉट आई वाज जस्ट गॉट पर या मैं आराम से निकला उसके सामने, बाइक की आवाज़ पूरी आ रही थी, नॉर्मल बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ है, थोड़ा सा बेसी है। मैं आपको एग्जॉस्ट का डिज़ाइन नहीं बताऊँगा क्योंकि डिज़ाइन अगर मैंने बता दिया तो बस आपका क्या हो गया भाई, मज़ा आ गया। एंड या अ वेरी फेमस वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी कंजेस्टेड एरिया ऑफ न्यू दिल्ली, दिस इज राजेंद्र प्लेस। एंड भाई यहाँ पर जितने कबूतर तुम्हें मिलेंगे ना शायद ही कहीं दिल्ली के किसी और एरिया के अंदर मिलेंगे, बिकॉज भाई पास हो गई, चलान हो गया भाई इसका तो। देख क्या सुंदर लग रहा था कैमेलियन कलर यार। तो okay, भाई गाड़ी सेकंड बैरिकेड से भी निकल चुके हैं हम सेफली, किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, इनका एक रिएक्शन देते नहीं पलटे, रेस दी नहीं पलटे। देखो इस बाइक की तो आवाज़ भी नहीं आ रही बेचारी साइड में से जाते हुए। भाई टाइम आ चुका है कि मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ दिस गियर लीवर ऑल अबाउट। दिस इज़ अ सिंगल साइड पेडल, दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मोटो स्टोर इंडिया, लिंक इज़ इन द बायो, यू कैन चेक ईच एंड एवरी डिटेल। इसको अब फिट कैसे करते हैं, अब आप ये नट देख रहे हो, ये जो नट है इस नट को यहाँ से डालो एंड नीचे से स्क्रू है टाइट कर दो, बात ख़त्म। अब मैं आपको इसका एंड जो पुराने वाला पेडल था उसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ। किंग हेयर इज़ द ओल्ड पेडल, ये कुछ ऐसे आता था एंड ऐसे रहता था, ये थोड़ा सा क्रोम था, थोड़ा सा ओल्ड दिखता था, थोड़ा सा शैबे दिखता था, पर जितनी भी बाइक आती है उसके अंदर ऐसे 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 बाइक शिफ्ट करने में तो एक नंबर मज़ा आ जाता है। मेरे पैर को जो इसका लेग स्पेस है ना वो पूरा मिलता है क्योंकि इस वाली गेयर के अंदर हमारा पैर इस तरीके से पूरे के पूरे गेयर के ऊपर रहता था, जब पैर ऐसे तो हमारा पैर इसके ऊपर रहता था पूरे टाइम, तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट लेग स्पेस मिल चुका है एंड दिस मेक्स द राइड कम्प्लीटली, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब एकदम। मेरा जो प्लान था वो ये था दैट कि मैं बाहर जाऊंगा नॉर्मल से एक ब्लॉग बना दूंगा, पर यहाँ आप सब कहते हो कि इंस्टॉल करके दिखाओ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं लोग, कुछ नहीं करना है, यू हैव टू टेक अ 10mm सॉकेट, यहाँ जाओ ये एक नट खोलो, ये ऐसे यहाँ से बाहर आ जाएगा जो आपको ओरिजिनल वाला है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, उसको हटाओ, ये वाला लो, इसको डालो, ऊपर से नट डालो, यहाँ से कर दो टाइट एंड यू आर सॉर्टेड मैन, यू आर सॉर्टेड। अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग दिखा देता हूँ दैट हाउ इट वर्क। देखो अभी है बाइक न्यूट्रल में, ठीक है, यहाँ से एक जूता किया फिर फर्स्ट गियर लग गया, हल्का सा ऊपर उठाया फिर सेकंड लग गया। देखो ये हल्का सा उठाया, अब आपको पता है ये जो मेरी जूते की ये वाली ग्रिप है, मैं अपना यहाँ से देखो यहाँ से ये देखो बाइक क्या मतलब कितनी स्मूथ शिफ्टिंग होती है। देखो ये वन, ये न्यूट्रल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड यू डो गो ब्रो। एंड आप मेरा पैर देखोगे इतना ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में रहता है इसको लगाने के बाद, एंड इसको मैंने पर्सनली 1500 किलोमीटर टेस्ट किया है। माय बाइक सोडो इज 3702 किलोमीटर्स, मैंने इसको इंस्टॉल किया था एग्जैक्ट, मतलब एकदम एग्जैक्ट बताऊँ तो मैंने 2200 या फिर 2300 इतने पे कर लिया, तो ऑलमोस्ट भाई 1500 किलोमीटर चल चुकी है भाई, गुड टू गो चीज़ है, इसके मेरे इंजन पर कोई नुकसान नहीं आया। हाँ 1500 किलोमीटर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर ज़्यादा पता नहीं चलता, बट येस मैंने हर किसी से पूछा है, उन्होंने एक जवाब दिया कि हिमालयन के अंदर भी सिंगल साइड सिंगल फुट गियर लीवर आता है। सो मैं इसके मेन एडवांटेजेस की बात करूँ तो फिर ये है कि ये लेग स्पेस दे देता है, इसके अंदर गियर शिफ्टिंग बहुत आसान हो जाती है, तुम्हारे पैर को ज़्यादा आराम मिलता है अगर तुमने मोटा बूट पहन रखा है। चार पॉइंट्स हैं बड़े मेन जैसे हर एक बाइक के अंदर होते हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस टू इंस्टॉल दिस, बस ये है कि बस भैया मक्खन होगी गाड़ी, समझ रहे हो,
जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन मैं पहुंच चुका हूँ चांदनी चौक, जहाँ पर मुझे पतंग की शॉपिंग करनी है, मांझा लेना है एंड ऑल। तो आपको बता दूंगा भाई कि क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं लिया है। बस सेकेंडली फाइनली वी कम टू इट्स डिसएडवांटेज। हाँ देखो, गेयर मैंने कितने आराम से नीचे कर लिया, मतलब बस। तो सेकेंड इसके डिसएडवांटेज ये है दैट इसको यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इंस्टॉल करोगे एंड देन यूज़ करोगे तो फिर थोड़ा सा तो टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, क्योंकि आपका जो पीछे वाला लेग स्पेस है वो खाली हो जाता है। पर इसको एक बार आपने चला लिया तो लाइफ, ओ भाई ये क्या गलत सीन हुआ। ओए नीचे नीचे सस्पेंशन टूट गया, ये लगा कहाँ जाके, चलती गाड़ी का टायर निकल गया नीचे, सस्पेंशन फोक सब टूट गए भाई साहब। हाई आरपीएम से इसकी आवाज़ सीधा उसके जैसी हो जाती है यार, क्योंकि गियर लीवर का तो टॉपिक ओवर हो चुका है ना। ये इसने आफ्टर मार्केट लगवा रखे हैं क्या? हाय हाय क्या डब्बे जैसी आवाज है इसकी, छी 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 छी। So it's 12 AM in the night and I'm back home right now. वहाँ पर रखी अपनी पतंग वगैरह एंड ऑल, वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को पक्का मिल जाएंगी कि क्या मैंने मस्ती करी, क्या हम कहाँ कहाँ गए एंड कहाँ से पतंग लेकर आए जस्ट बिफोर 15th of August। इसके अंदर कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था कि हाउ टू पुट दिस लीवर, इसको इंस्टॉल कैसे करूँ, इसको ये कैसे करूँ। इट्स जस्ट अ क्लीन एंड क्लियर सिंपल गियर लीवर, तो इसलिए इसके अंदर कुछ ज़्यादा टेक्निकल मैंने रखा नहीं, अपनी आगे पीछे की बातें ज़रूर रखी थी वीडियो के अंदर। सो आपने ये जो वीडियो का पार्ट है ये एंजॉय किया हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक कर देना वीडियो को, जरूरत लगे तो शेयर कर देना। एंड आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी लिंक मैंने दिया हुआ है, उस लिंक को खोलने के बाद काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है दैट यू आर डायरेक्टेड टू सम अदर वेबसाइट, तो डोंट वरी अबाउट, आप उस लिंक को क्लिक करो, एक मेरा जो पोर्टल है वो खोलेगा, वहाँ पर मेरे सारे लिंक्स गिवन है। एंड जो सेकेंड या थर्ड लिंक होगा जहाँ पर मेरी एक्सेसरीज, बाय ऑल माई एक्सेसरीज, वहाँ क्लिक करो, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट हो गया एंड यू कैन बाय देम ऑल। येस दिस इज़ माई स्टोर एंड दिस इज़ माई कंप्लीट हक टू प्रमोट इट, प्रमोट गुड थिंग्स बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू यूनिक प्रोडक्ट्स एज वेल एज इन द ग्रेट प्राइस रेंज। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, बाकी अपनी एडिटिंग वेडिटिंग करके देन सोएंगे। एंड या भाई 12 रील का चल खड़ा लिया, किसको चाहिए वो तो बता देना भाई, मैं ये भी डिलीवर कर दूंगा आप कहोगे तो। चलो बाय बाय, बी यू ग्रेट न्यू, चाहता हूँ प्लीज डोंट किल माय वाइब, वर्किंग 5 to 5 जस्ट टू कीप मी फ्लाई, आई बीन गेटिंग हाई यू नो सुपर हाई, आई जस्ट वांट टू राइड इनटू द डिस्टेंस ऑन अ सुपर बाइक, सुपर बाइक, सुपर बाइक ऑन अ सुपर बाइक।